चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरो। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंदयोगींद्रं अथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्त्रिककारं अन्यान् अस्मद्गुरून् संततम् आनतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानां
आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः अशुभान निराचष्टे तनोति शुभसंततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम् अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंशयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदु ओंकारश्च अथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव अशरण शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पराद पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है, अर्थात उसको कभी किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं आता, नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता है और मृत्यु नहीं आती, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जीव को अपने परम कल्याण के लिए अर्थात सर्व दुखों से और मृत्यु से भी छूटने के लिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक। भगवान के ज्ञान का साधन भगवान की वाणी वेद है और वेद का अर्थ बताने वाले गुरु हैं, क्योंकि वेद अपने आप तो बोलता नहीं, गुरु ही में वेद मंत्र पढ़ते हैं और मंत्रों का अर्थ बताते हैं, तब सज्जनों भगवान का ज्ञान होता है। इसलिए गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है केवल ग्रंथों से, क्योंकि ग्रंथ तो बोलते नहीं है, चाहे न्याय व्याकरण वेदांत साहित्य गणित कोई भी ज्ञान हो, बिना गुरु के बताए नहीं होता है। पहली कक्षा से लेकर के अब तक जो भी हम ज्ञान सीखे हैं वो सज्जनों गुरु ही से सीखे हैं, इसलिए सभी गुरु पूज्य हैं। सज्जनों पहली कक्षा का गुरु भी पूज्य है, दूसरी कक्षा पढ़ाया वो भी पूज्य है,
पहली कक्षा में हम नहीं आते तो दूसरी कक्षा में कैसे पहुंचते सज्जनों, और दूसरी कक्षा नहीं पास करते तो तीसरी कक्षा में कैसे पहुंचते। इसलिए पहली कक्षा जो है ज्ञान का मूल है। जैसे सोपान होता है, पहली सीढ़ी चढ़ने के बाद में ही दूसरी सीढ़ी में पहुंचते हैं सज्जनों, दूसरी सीढ़ी में पहुंच करके फिर तीसरी सीढ़ी में पैर रखते हैं, तीसरी सीढ़ी के बाद में फिर चौथी सीढ़ी में पैर रखते हैं सज्जनों। तो ये पहली दूसरी कक्षाएँ ये सोपान क्रम है सज्जनों। धीरे धीरे सबसे ऊपर कक्षा में हम पहुँच जाते हैं सज्जनों। इसलिए सज्जनों सभी गुरु पूज्य हैं। प्रथम गुरु तो माता पिता ही हैं, वो भी पूज्य हैं क्योंकि वो पहले गुरु हैं। कुछ माता ने हमको ज्ञान दिया, फिर कुछ पिता ने हमको ज्ञान दिया, इसके बाद में हम स्कूल कॉलेज में पढ़ने गए, सुन्याय व्याकरण वेदांत आदि का ज्ञान प्राप्त किया है सज्जनों। इसलिए सभी गुरु पूज्य हैं। वेद में लिखा है मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता पिता देवता है, इनके देवता समझ के पूजा करना चाहिए, इनका आशीर्वाद भी मिलता है और ज्ञान भी मिलता है। तो सज्जनों कल कथा चल रही थी सामवेद के छांदोग्य उपनिषद की छठे अध्याय की। आरुणि का पुत्र श्वेत केतु था, उसका यज्ञोपात पवित्र संस्कार करा करके और उसको काशी पढ़ने के लिए भेजा था। जब वो विद्वान होकर के घर लौटा तब उसको ऐसा अभिमान हुआ कि मुझसे बड़ा दुनिया में कोई विद्वान ही नहीं, और ये अभिमान पतन का हेतु होता है सज्जनों। इसी अभिमान में उसने अपने पिता को भी प्रणाम नहीं किया, उसको ये अभिमान था कि मेरे बराबर तो पिता भी ज्ञानी नहीं, इतना नहीं पढ़े जितना मैं पढ़ा। जबकि सज्जनों विद्या ददाति विनयम, जो विद्या आ जाए तो वो नम्रता देती है सज्जनों। जैसे वृक्ष जब फल लग जाते हैं तो वृक्ष की डालियां झुक जाती हैं, नम्र हो जाती है। इसी प्रकार से विद्या रूपी फल जिसको लग जाए उसको विनम्र हो जाना चाहिए। परंतु पिता ने देखा कि मेरे पुत्र को तो और उदंडता आ गई, नम्रता नहीं आई, अहंकार आ गया। विद्या का अहंकार, कोई भी अहंकार हो सज्जनों, पतन का हेतु होता है। सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है ये जीवों का अहंकार ही है। तो सज्जनों उसका अहंकार तोड़ने के लिए पिता ने उससे एक प्रश्न किया, पुत्र तुम सब विद्याएं पढ़िया है? बोले हाँ पिताजी, मैंने सारी विद्याएं पढ़ लिया है। कहा एक ऐसी विद्या है कि एक के ज्ञान से सब कुछ जान लिया जाता है, बहुत पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, एक को जान लो बाकी सबको जान लिया गया। यस्मिन विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति, जिसके जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है। अभिज्ञातम विज्ञातम भवति, जो नहीं जाना हुआ है वो भी जाना हुआ हो जाता है। अश्रुतम श्रुतम भवति, जिसको कभी सुना ही नहीं है वो भी सुना हुआ हो जाता है। अदृष्टम दृष्टम भवति, जिसको कभी नहीं देखा वो देखा हुआ हो जाता है। क्या उस विद्या को तुमने पढ़ा है? एक को जान लेने से सब कुछ जान लिया जाए, कुछ जानना बाकी ही न रहे। तो उसका अहंकार टूट गया।
कहा पिताजी ये विद्या तो मैंने नहीं पढ़ा है, अब आप ही वो विद्या मुझको बताओ। तो अहंकार टूट गया, पिता को प्रणाम किया। तो अरुणी बोले, श्वेत केतु नाम था उसके पुत्र का, अरुणी के, कहा सुनो पुत्र, एक मृतपिंडेन सर्व मृणमयम विज्ञातम स्याद वाचारंभम विकारो नाम धेयम मृत्केतेव सत्यम यथा सौम्य एक स्वर्णपिंडेन सर्व स्वर्णमयम विज्ञातम स्याद वाचारंभम विकारो नाम धेयम स्वर्णमित्तेव सत्यम। हे श्वेत केतु, जैसे एक माटी को जान लेने से माटी से बने हुए संसार भर के घटमट जान लिए जाते हैं कि माटी से जुदा नहीं है, सारे संसार के घटमट माटी से बने हैं, माटी कारण है, तो कोई भी कार्य अपने कारण से जुदा नहीं हुआ करता है। नाम रूप घट मठों के अलग अलग हैं, माटी एक है। संसार में कितने घड़े होंगे, कितने मकान होंगे, इनको कोई गिन सकता है? परंतु एक माटी को जान लो तो सब दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है, तुम जान लोगे कि माटी से जुदा कोई है ही नहीं, चाहे किसी लोक में बने हो। माटी कारण है एक, कार्य घटमट है वो अनेक हैं, परंतु एक माटी से जुदा नहीं है। इसी प्रकार से एक सुवर्ण के जान लेने से सुवर्ण से बने हुए जितने आभूषण हैं, मुकुट कुंडल कंठा कांची कंकन अंगूठी आदि, वो जान ले जाते हैं कि जितने नाम रूप हैं आभूषणों के, मुकुट कुंडल आदि नाम और रूप, वो सब कल्पित हैं, सोना ही सत्य है। सोना से जुदा कोई मुकुट कुंडल कंठा कांची कंकन नहीं है। सब सोना रूप हैं, सोना निकाल लो मुकुट कुंडल कंठा से तो क्या बचे, फिर कुछ नहीं बचेगा। इसलिए सोना सत्य है, आभूषण कार्य हैं, सोना कारण है, सोना से आभूषण उत्पन्न भए हैं, सोने में ही रहते हैं, सोने से अलग होकर रह नहीं सकते, फिर सोने में मिल जाएंगे। इसलिए स्वर्ण में तेव सत्यम, सोना ही सत्य है और नाम रूप सोना में कल्पित है, क्योंकि नाम रूप बनते हैं सोना से और पुनः मिट जाते हैं। सोना तो वही वही रहता है, आदि में सोना है, मध्य में भी सोना है और अंत में सब गला दिए जाएंगे, फिर सोना रह जाएगा। सोना बना बनाया है, आभूषण बनाए गए, सुनार ने बनाया है, इसलिए वो कल्पित है। सोना तो बना बनाया, सोना के बिना तो सुनार बना नहीं सकता आभूषण। इसी प्रकार से हे पुत्र, सदैव सोमिदमग्रमासीत एकमेवाद्वितीयम्। हे पुत्र, सृष्टि के आदि में एक सत ही था, दूसरा कुछ नहीं था, और जो सत था वो चित और आनंद भी था। माने सत चित आनंद ब्रह्म को कहते हैं, सच्चिदानंदम ब्रह्म, सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म ही था। सज्जनों, फिर उससे क्या हुआ ब्रह्म से? कहा एक माया का प्रादुर्भाव हुआ, फिर
माया को प्रकृति भी कहते हैं, वो एक प्रकृति का प्रादुर्भाव हुआ। फिर उससे क्या हुआ, कहा तीन गुण हुए, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। फिर क्या हुआ, कहा फिर आकाश हुआ, फिर वायु हुआ, फिर अग्नि हुआ, फिर जल हुआ, फिर जल से पृथ्वी भई, पृथिव्या औषधया, पृथ्वी से फिर ये औषधियाँ हुई, आम अमरूद अनार अंगूर वगैरह। औषधि भय अन्नम, औषधियों से फिर गेहूँ जौ चना ज्वार बाजरा आदि ये अन्न हुआ। अन्नात पुरुषः, फिर अन्न से ये स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी ये सब हो गए। इसीलिए सब अन्न से जीते हैं सब, ये जितने संसार के जीव हैं। अलग अलग अन्न है सबका, मनुष्यों का गेहूँ जौ चना आदि अन्न है, पशुओं का घास भूसा आदि अन्न है। दो प्रकार के पशु होते हैं, एक बस्ती में रहते हैं एक वन में रहते हैं। तो जो गाय भैंस बकरी हैं ये बस्ती में रहने वाले पशु हैं, इनका भोजन घास भूसा आदि है। और जो वन में रहते जैसे सिंह व्याघ्र हैं वो मांसाहारी होते हैं, वो वन में ही रहते हैं, उनका भोजन मांस ही है, उनका वही अन्न है। अन्न की व्याख्या है अत्तम योग्यम अन्नम, जो जिसके खाने के योग्य पदार्थ है उसका वही अन्न होता है। मनुष्यों के खाने योग्य हूँ जो चना आदि अन्न है ये यही खा सकता है, घास भूसा नहीं खा सकता है। और गाय भैंस बकरी घास भूसा खा सकती हैं, इसलिए उनका वही अन्न है। और सिंह व्याघ्र वो घास भूसा नहीं खा सकते, मांस ही खा करके जीते, इसलिए उनका सिंह व्याघ्र का वही अन्न है। सज्जनों, तो अन्न का अर्थ यही किया गया है अत्तम योग्यम अन्नम, जो जिसके खाने के योग्य पदार्थ होवे उसका वही अन्न होता है। फिर अन्न से ही जीवन है सज्जन, अन्न के बिना कोई जी नहीं सकता है। तो सज्जनों इसीलिए वेद में लिखा है अन्नम बहुकुर्यात, अन्न बहुत पैदा करना चाहिए, क्योंकि अन्न सबका जीवन है सज्जनों। सोना चांदी रुपया पैसा हीरा लाल जवाहरात मोती आदि ये हो चाहे ना, ये तो खाली देखने की चीज़ें हैं सज्जनों। इनसे बने हुए आभूषण खाली आँखों के देखने की चीज़ें, सोने चांदी आदि से सज्जनों कोई पेट तो भरता नहीं और न प्यास बुझती है। पेट अन्न से भरेगा, प्यास पानी से बुझेगी। इसलिए मनुष्यों को जीवन के लिए हर किसी के मनुष्य पशु पक्षी सबके जीवन के लिए अन्न और जल से कीमती कोई चीज है ही नहीं। किसी ने कहा कि अन्न जल को तुम छोड़ दो और त्रिलोकी का राज्य ले लो, तो उसने मना कर दिया। पूछने वाले ने पूछा त्रिलोकी का राज क्यों ते छोड़ते हो, अरे एक अन्न जल के छोड़ देने से त्रिलोकी का राज मिलता है। तो वो कहता है कि अन्न और जल न मिलने से तो प्राण चले जाएंगे, त्रिलोकी का राज मिलने से तो प्राण नहीं बच नहीं सकेंगे सज्जनों, प्राणों की रक्षा त्रिलोकी का राज तो नहीं करेगा।
तो जब अन्न जल नहीं मिलेगा, प्राण चले जाएंगे, त्रिलोकी का राज्य भोगेगा कौन? इसलिए अन्न, भूखे को अन्न, प्यासे को जल, यही सबके जीवन है सज्जन। और जो जिसके खाने के योग्य है वही उसका अन्न है, और पानी तो सबको एक बराबर चाहिए सज्जन। पशु पक्षी भी सब पानी पीते हैं सज्जनों, पानी के बिना जीवन नहीं रह सकता सज्जनों। इस प्रकार से सज्जनों सृष्टि हो गई, सब पूरी सृष्टि बन गई सज्जन। और फिर जब महाप्रलय आती है सज्जनों, तो ये सारा संसार अन्न पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है, पृथ्वी से सब पुरुष उत्पन्न भए हैं जीव मात्र, तो महाप्रलय में सब अन्न पृथ्वी में लय हो जाता है, और पृथ्वी आकाश में लय हो जाती, पृथ्वी जल में लय हो जाती है, और जल अग्नि में लय हो जाता है, और अग्नि वायु में लय हो जाता है, और वायु आकाश में लय हो जाता है, अब आकाश महामाया शक्ति में लय हो जाता है, और महामाया शक्ति उस परब्रह्म परमात्मा में लय हो जाती है, फिर एक वही रह गया ना परब्रह्म परमात्मा। तो सत्य वही है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति नहीं होती, बाकी उससे ही सब उत्पन्न भए। तो जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश होता है, और जिससे उत्पन्न होती है उसी में नाश होता है। जैसे माटी से घटमट बने तो माटी में ही लय होंगे, जल से लहरें उत्पन्न भई तो लहरें जल में ही लय हो जाएंगी, अग्नि से चिंगारियाँ उत्पन्न होती हैं, अग्नि एक है चिंगारी अनेक हैं, पर लय कहाँ होंगे? फिर वही अग्नि में लय हो जाएंगे। तो यह सारी सृष्टि उसी सच्चिदानंद ब्रह्म से उत्पन्न भई है, और उत्पन्न होकर के फिर उसी में लय हो जाएगी। तो यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते एन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अविशं विशन्ति तद् ब्रह्म तत्त्वमसि श्वेतकेतो। हे श्वेतकेतो, जिससे ये सब सृष्टि भई है, जिसमें स्थित है, और जिसमें चलती फिरती है, और फिर जिसमें लय हो जाएगी, वो ब्रह्म है। तत्त्वमसि श्वेतकेतो, हे श्वेतकेतो, तेरा वही स्वरूप। तो सज्जनों, हमारा तुम्हारा भी स्वरूप वही है ब्रह्म। जो उत्पन्न हुआ वो नाश हुआ, नाश भी किसमें हुआ? जिससे उत्पन्न हुआ। अरे सत्य झूठे की निवृत्ति कहाँ होगी? सत्य में ना, झूठा तो झूठा ही है। जैसे पुरुष सत्य है, अब पुरुष से प्रकट हुई जो छाया है वो झूठी है। पुरुष से उत्पन्न होती है छाया, अब पुरुष ही छाया को देखता है, पुरुष के आश्रित रहती है छाया, और फिर अंत में पुरुष में लय हो जाती है। तो असत की निवृत्ति सत्य में होती है। ये नियम है सज्जन। अधिष्ठान ते भिन्न नहीं जगत निवृत्ति बखान, सर्प निवृत्ति रज्जु जिमी भय रज्जु का ज्ञान। जैसे सर्प मिथ्या है,
और रज्जु सत्य है। रज्जु के अज्ञान से रज्जु साक के रूप में भासती है, और जब रज्जु का ज्ञान हुआ प्रकाश में, दीपक जला के देखा तो रज्जु है, तो वो झूठा सांप कहाँ गया? अब झूठे की निवृत्ति सत्य में हो गई, छाया की निवृत्ति पुरुष में होती। ये नियम है। तो ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। और जो जीव है, जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव तो ब्रह्म ही है, कोई दूसरा नहीं है। जब झूठा भी सत्य में मिलकर सत्य हो जाता है तो जीव तो सत्य ही है, वो तो उत्पन्न हुआ ही नहीं, वो तो ब्रह्म रूप है ही। न जायते म्रियते वा कदाचित, जीव की तो उत्पत्ति ही नहीं भाई है, मृत्यु कैसे होगी सज्जनों? तो हमारा तुम्हारा स्वरूप तो स्वभाव से ही जीवात्मा है। भगवान कृष्ण कहते हैं जीवात्मा की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए मृत्यु नहीं होती। मृत्यु का कारण जन्म होता है, अब जिसका जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु कैसे होगी उसकी? मृत्यु उसको मारेगा किसको? जब जन्म ही नहीं हुआ तो किसको मारेगा? मृत्यु तो उसी को मारेगा जिसका जन्म होगा। ज्ञातस्य हि ध्रुव मृत्यु, तो उस ब्रह्म से माया आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और अन्न और ये सब पुरुष उत्पन्न भए, तो इनकी उत्पत्ति भई है, तो इसलिए इन यही मरते मरते वही अपने कारण में पहुंच जाएंगे, ब्रह्म में लय हो जाएंगे सज्जनों। तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे दृष्टांत दे दे करके, जैसे माटी से बने हुए घटमठ माटी में लीन होते हैं, ऐसे ही ब्रह्म से उत्पन्न भय सारा संसार ब्रह्म में लीन होता है, और तत्त्वमसि स्वयं के तो वही ब्रह्म तू है। जल से उत्पन्न होने वाली तरंगें अंत में जल में ही मिलती हैं, इसी प्रकार से ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला ये तरंगों के समान संसार फिर ब्रह्म में लय होता है, इसलिए तत्त्वमसि स्वयं के तो वो ब्रह्म ही तेरा वास्तविक स्वरूप, तेरी तो उत्पत्ति ही नहीं हुई है। अग्नि से उत्पन्न होने वाली चिंगारियाँ अंत में सबकी सब चिंगारियाँ फिर अग्नि में लय हो जाएंगी, इसी प्रकार से अग्नि स्वरूप ब्रह्म है और तत्त्वमसि स्वयं के तो वो ब्रह्म ही तू है। 9 बार ऐसे उपदेश दिया है सज्जनों। तो 9 बार से क्या प्रयोजन है उत्पन्न इतने बार कहने का? आवृत्ति ही सकृत असकृत उपदेशात, ये शिक्षा देते हैं कि एक बार सुनो तो अनेक बार तुम स्वयं विचार करो मनन करो तो ज्ञान पक्का हो जाता है, नहीं तो एक बार काफी था। सच्चिदानंदम ब्रह्म और तत्त्वमसि स्वयं के तो इतना बहुत था, सच्चित आनंद ब्रह्म है और वही तेरा स्वरूप। तो ये 9 बार कहने का मतलब, एक बार सुनो तो बहुत बार याद करो। बाल काल में छोटे बच्चों को 2 का पहाड़ा पढ़ाया जाता है, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 4, 2 चौके 8 पढ़ाया जाता है, और फिर कहा जाता है कि बेटा इसको याद करके लाना, तो फिर कल सुनाना, आगे का पहाड़ा फिर बताएंगे, 3 का 4 का 5 का पहाड़ा फिर तुमको पढ़ाएंगे। तो वो जो याद करके लाता है तो कितने बार याद करना पड़ता है उसको दिन भर, तब उसको याद होता है ना। ऐसे महीनों सुनते हैं मास्टर लोग गुरु लोग, सुनाओ जो कल पढ़ाया गया था, तो वो रोज़ सुनाते हैं सज्जनों। तो फिर इतना पक्का हो जाता है कि जीवन भर फिर याद करने का काम नहीं है, फिर वो पक्का हो गया ज्ञान, 2 का 2, 2 दूनी 4। तो श्रवणम तु गुरोः पूर्वम, मननम तदनंतरम,
निधिध्यासन मित्ते तत्पूर्ण बोधस्य लक्षण। एक बार सज्जनों गुरु से सुनो, उसको कई बार मनन करो और फिर निधि ध्यासन करो तो सज्जनों पक्का हो जाता है। तो श्रवणं तु गुरोः पूर्वम, ये आप सुनते हो जो, इसको सुन के जाओ तो भुलाओ नहीं, आज का सुना हुआ भूलना नहीं चाहिए। घर जाते जाते उसको पक्का करो, दूसरे दिन तीसरे दिन वो सुने हुए को बार बार याद करो, दोहराओ। तो श्रवणं तु गुरोः पूर्वम मननं तदनन्तरम, फिर मनन करो। निधिध्यासन में और अनेक बार याद करो, पक्का जिसमें हो जाए। तो शास्त्र कहता है शतेन ज्ञानम आयाति, 100 बार तुम मनन करोगे, याद करोगे, तो तुमको आ जाएगा वो ज्ञान। शतेन ज्ञानम आयाति सहस्रेण चतिष्ठति, और 1000 बार उसको याद कर लोगे रोज रोज, तो सज्जनों फिर वो ठहर जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। और लक्ष्य बारम जपेत्यस्तु प्रेत चेह चतिष्ठति, यदि 1,000,000 बार एक सुने हुए ज्ञान को तुम याद कर लोगे सज्जनों, मनन करते रहोगे रोज, भुलाओगे नहीं, तो मरने के बाद में भी वो ज्ञान भूलता नहीं है, इतना पक्का हो जाता है। क्योंकि बुद्धि नहीं मरती है सज्जनों, ये स्थूल शरीर मरता है, बुद्धि वही रहती है। तो बुद्धि में जो ज्ञान है वो दूसरे जन्म में बना रहेगा, क्योंकि बुद्धि मरेगी नहीं। तो सज्जनों, श्रवण के बाद मनन और निधिध्यासन की महिमा ज्ञान को पक्का करने के लिए है सज्जन। तो सज्जनों, आरुणि ने अपने पुत्र श्वेत केतु को यही ज्ञान दिया कि हमारा तुम्हारा स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म है। अब ब्रह्म से जो सृष्टि हुई है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और माया, तो कहा क्रम से ये उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसका विनाश, जिससे उत्पन्न हुआ है उसी में विनाश हो जाएगा। पर हमारी तुम्हारी आत्मा की उत्पत्ति नहीं बताई सज्जनों, इसलिए आत्मा का विनाश नहीं होना, मृत्यु नहीं होती। जब जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु क्यों होगी? तो अपना स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म आत्मा है। ना हम देहो हम आत्मेति निश्चयो ज्ञान लक्षण, मैं देह नहीं हूँ स्त्री पुरुष आदि, किंतु देह दृष्टा आत्मा हूँ, ये पक्का करो। देहात्म ज्ञान वद ज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधकम, आत्मन्येव भयोति अस्ति सन्नेच्छन्न विमुच्यते। जैसे देह में अज्ञानियों का अभिमान रहता है ना कि मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ, इसी प्रकार से देह को हटा करके सत्य आत्मा का अहम भाव करो। ना हम देह, मैं देह नहीं किंतु चेतन आत्मा हूँ, देह को देखने वाला हूँ। देह तो जड़ है, ये तो देखता नहीं है, पंचभूतों से बने, मैं तो दृष्टा साक्षी हूँ। तो ऐसा हमेशा सज्जनों विचार करो तो ज्ञान पक्का हो जाएगा। हमेशा अपने दृष्टा भाव में रहो, साक्षी भाव में रहो। साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, मैं साक्षी हूँ, चेतन हूँ और गुणातीत माया से परे हूँ। एको देव सर्वभूतेषु गुणः, देखने वाले को देव कहते हैं सज्जनों, और ये देह देवालय है, तो हम आप देखने वाले हैं इसलिए देव कहते हैं, और देखने वाले को ही ब्रह्म कहते हैं। तो हम देखने वाले हैं, हमारा तुम्हारा स्वरूप ब्रह्म है, और हमारा शरीर ये देवालय एक मंदिर है। मंदिर को तो ज्ञान होता नहीं सज्जन, हम आप देखते हैं, अपने देखने में किसी को संदेह भी नहीं है, सबको पक्का है कि मैं देखता हूँ, दिन को देखता हूँ, रात को देखता हूँ, जागृत स्वप्न सुसुप्ति को देखता हूँ, स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी इनको सबको देखता हूँ। पर ये तो कोई किसी में नहीं देखते सज्जनों, वृक्ष पर्वत आदि,
तो अपना दृष्टा स्वरूप तो सबको अनुभव सज्जन बताने की जरूरत नहीं है। हम संत लोग तो खाली आपके स्वरूप को याद दिलाते हैं, भूले हो को याद दिलाना इतना ही अपना काम, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कराना है। ब्रह्म तो तुम है ही, भूले हुए को सोते हुए को एक जगा देना, इतना ही काम है माता पिता और गुरुओं को, कि जीव का स्वरूप जीव को याद दिला दे। अज्ञान सोना है और ज्ञान जागना है। तो न जाए तो मृते व कदाचिन, हमारा तुम्हारा जन्म नहीं होता न मरण होता। तो भगवान भी याद ही दिला रहे हैं, क्योंकि जीव अज्ञान और मोह के बस भूल गया, अपने को शरीर मान बैठा है। संतों का भी यही काम है जो भगवान का काम है। भगवान की वाणी ही संत सुनाते हैं और चल चल के गांव गांव में, नगर नगर में, सब जगह जगाते रहते हैं जीवों को, अपने स्वरूप में जागो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।